डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बथुआ के पराठे जो कि सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमने बथुआ को अच्छे से उसकी सारी पत्तियाँ वो तोड़ ली थी और उसे अच्छे से वॉश करके हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने यहाँ पे दो हरी मिर्ची डाल के इसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस करके इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से। और इस पेस्ट को आप एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकता। तो जब भी आपका कुछ चटपटा या कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ हमने लिया है एक बाउल गेहूँ का आटा एक थाली में। अब इसमें हम क्रश करके डालेंगे एक टीस्पून अजवाइन, इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा या क्यूमिन सीड्स, इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे जिससे जो हमारे पराठे हैं वो काफ़ी क्रंची बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बथुआ जो हमने यहाँ पे पीस के रखा है ना, इस बथुए को हम चार चम्मच यहाँ पे भर के डालेंगे। बथुए को आप बथुए को कच्चा नहीं पीसेंगे, अगर हम इसे कच्चा पीसेंगे तो इसका जो कसैलापन है, इसका जो टेस्ट है वो हमारे आटे में आ जाएगा। इसलिए हमेशा बथुआ को आपको बॉईल करके ही पीसना है, कभी भी इसे कच्चा नहीं पीसना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। आप इसकी पूड़ी बना सकते हैं, आप इसके पराठे भी बना सकते हैं। तो ये ठंड के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें एक सॉफ़्ट डो लगाना है। ज़्यादा डो सॉफ़्ट नहीं होना चाहिए, जैसे हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल वैसा डो हमें लगाना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बथुए को पहले से पीस के रखा था, इसलिए मैंने आपको बथुए को तोड़ के नहीं दिखाया। तो हमारा आटा जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को हम इसकी एक लोई लेंगे और इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। तो जब भी आपको समझ में आए ना कि खाने में क्या बनाया जाए, तब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चटनी, अचार, किसी के साथ भी इस पराठे को या पूड़ी को खा सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है तो आप इसकी पूड़ियाँ बना लें, और अगर आप कम ऑयल खाते हैं तो आप इसके पराठे बना के खा सकते हैं। इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे सूखा आटा लगाते हुए, और इसके बीच में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे जो हमारे पराठे हैं बिल्कुल फूले फूले से बनेंगे। तो आप इसको इस तरीके से दोनों साइड से एक एक तरह से रोल करते हुए हमें इसको चारों तरफ से बिल्कुल चौकोर साइड में इसको हम बेलेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब इसको जाएंगे हम लगाएंगे इस पर सूखा आटा और हाथों से प्रेस करते हुए इसको हम बेलेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग बेल सकते हैं, छोटा या बड़ा, जिस साइज का भी आपको पराठा अच्छा लगता हो। तो हमने इसको चारों साइड से बेल लिया है। अब चलते हैं इसको हम सेकने की तरफ। यहाँ हमने तवे को पहले से गर्म करके रखा है। जब हमारा पराठा नीचे से सिक जाएगा तो वो ऊपर से हल्के हल्के सा ड्राई दिखेगा। तो हमारा जो पराठा है वो नीचे सिक चुका है। अब इसको हम पलट देंगे। और दोनों तरफ इसके हम ऑयल लगा देंगे और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको सेक लेंगे। आप इस पराठे को अचार के साथ, चटनी के साथ, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, किसी भी डिप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, या किसी सब्ज़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं। बस इसको उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे हम बिल्कुल बढ़िया गोल्डन होने तक। तो रेडी हो गया हमारा ये अमेजिंग सा फूला फूला बथुआ का पराठा। बिल्कुल दबा के इसी तरह से आपको इसको सेकना है।
मीडियम टू हाई फ्लेम। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना लेंगे। तो दूसरा पराठा भी बिल्कुल हमें इसी तरह बनाना है, बिल्कुल फूले फूले से पराठे बनेंगे अगर हम इसके बीच में ऑयल लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो आप इसके बीच में सूखा आटा डाल दें, इससे भी आपके पराठे बिल्कुल फूले फूले से बनेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों पराठे रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और दोनों को सर्व कर लेते हैं। तो पराठे यहाँ खाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमने इसको यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी के साथ और प्याज और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज़ ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सर्दी के मौसम में बनाएं इस अमेजिंग से पराठे को और अपनी मनपसंद सब्ज़ी के साथ चटनी के साथ इंजॉय करें इस अमेजिंग सी रेसिपी को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।